Alaikum, You are watching my YouTube channel Seven Eight Six English Point, and I am Muhammad Shafiq. In today's video, we'll discuss Chaucer's art of characterization, the most important question for uh, the annual examination of different universities. Geoffrey Chaucer's famous book, The Prologue to the Canterbury Tales. This question is taken from uh, the Chaucer's book, The Prologue. इट इज़ अबाउट द चौसस आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन सो लेट एस स्टार्ट विद प्रॉपर ट्रांसलेशन करेक्टराइजेशन इज़ द स्ट्रॉगेस्ट पॉइंट ऑफ द पोइटरी ऑफ चौसर की शायरी में किरदार साजी एक बहुत अहम नुकता है इनफैक्ट आफ्टर शेक्सपियर ही इज़ द ग्रेटस्ट मास्टर इन दिस रिगार्ड शेक्सपियर के बाद इस लिहाज व बेहतरीन और अली दर्जे का किरदार साजार मुनफ़ समझा जाता है चौसस करेक्टर्स रिप्रजेंट अर्टेबल पिक्चर गैलरी जोस्टर के किरदार जो हैं वो एक बुलंद तरीन तस्वीरों की गैलरी है ऑफ द फोटीन सेंचुरी इंग्लैंड की द डिज़ाइन ऑफ द कैंटम्प्री टेल इज़ पिलग्रिम जो मनसूबा है कैंटम्बरी टेल्स का वो हाजी हैं एंड थ्रू थ्रू दैट स्कीम और इस मनसूबे के जरिए ही वॉज एबल टू ब्रिंग टुगेदर जोसर कामयाब होता है नज़दीक लेके आने में और इकट्ठा करने में वाइराटी ऑफ करैक्टर्स बिलोंगिंग टू तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री मुख्तलिफ़ किरदारों को जो मुख्तलिफ़ मुल्क के शोबों से ताल्लु रखते हैं इन दिस ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स वी हैव अ नाइट अ अ अ अ अ यू मैन मंक फ्रायर अ मर्चेंट एंड ऑक्सफोर्ड क्लर्क अ सार्जेंट लॉ अ फ्रैंकलिन अ वी अ कारपेंटर अ अ वीवर डायर अ अ कुक अ डॉक्टर ऑफ फिजिक्स अ गुड वाइफ फ्रॉम बाथ अ पार्सन अ प्लोमर अ रीव अ मिलर अ समनर अ अ पार्टनर एंड म्यूसिपल दिस लिस्ट ऑफ पिलग्रिम्स शोज दैट देर इज आर रिच वराइटी ऑफ प्रेजेंटेड इन द कैंट्रीटेल ये जो लिस्ट है हाजियों की ये बताती है कि बहुत ज्यादा वैरायटी में किरदारों को पेश किया गया है कैंटरब्री टेल्स में दैट इज वाई जॉन ड्राइडन रिमार्क इसी वजह से जॉन ड्राइडन ने ये बयान दिया है कि हेयर इज़ अ गॉड्स प्लान्टी यानी चौसर में खुदा की कसरत कसरतियत खुदा की कसरत दिखाई देती है सलाहियत के लिहाज से चौसर करैक्टर्स आर विविड एन लाइफ लाइक -like. चौसर के किरदार जो है वाजे हैं और ज़िंदगी के जैसे हैं इट मीनस ही डिड नॉट ट्रिएट मॉन्सटर ऑफ ह्यूमन बींग्स इसका मतलब है कि वह उसने इंसानों में जिन नहीं पैदा किए नीदर आर दे कन्वेंशनल पटराचियन लवर्स ना ही वो रवायती ख्याली आशक हैं नॉर एपिकरोज ना ही वो बहुत बड़े हीरोज़ हैं हु परफॉर्म डीड्स ऑफ ग्रेट ऑनर जो बड़े शान शौकत वाले काम करते हैं फार फ्राम रियल लाइफ लेकिन हकीकी ज़िंदगी से दूर होते हैं जोसेस करेक्टर्स आर अ ब्लेंड ऑफ रियलिज़म रेलिजम का की अमेजिश हैं उसके किरदार हीज़ क्रिएटेड करेक्टर्स विच वर नॉट ओनली ट्रू टू दैट एज, उसने वो किरदार पेश किए हैं जो कि ना सिर्फ उस दौर में सच्चे से सच्चे थे बट आर आल्सो ट्रू टू दिस एज बल्कि इस दौर में भी सच्चे हैं द फ्यूजन ऑफ इंडिविजअुल एंड टिपिकल ट्रेड्स मिलाप जो इनफरादी और रवायती खसूसियात का उसने दिया हैज़ मेड हज करैक्टर्स ट्रू टू ऑल एजस उसके किरदारों को इसने बना दिया है हर दौर के लिए सच्चे की पेंट्स ऑल द करेक्टर इन देर आइडियोसनिकेसिस तमाम बरीकियों के साथ अपने किरदारों को पेंट करता है एज़ वेल एज देर प्रोफेशनल फ्लेवर और उनके पेशा वराना ऐसी द इंडिविजुअल क्वालिटीज़ ऑफ द करेक्टर्स अन वेल इनफरादी खसूसियात किरदारों की बेनकाब की गई हैं देर पर्सनैलिटीज़ उनकी शख्सियात को बट देर प्रोफेशनल आइडियोसनिकेसिस कॉन्स्टिट्यूट लेकिन उनकी पेशा वारा जो बारीख़ियाँ हैं तश्ल देती हैं दोशल पिक्चर एक माशरती तस्वीर सो ईच करैक्टर इंडिविजुअल एज वेल एज सिंबॉलिक क्वालिटीज़ हर किरदार की अनफरादी और अलाती खूसियात हैं एंड देर सिम्बल्स सिम्बालिक क्वालिटीज़ और उनकी अलामती खूसियात रिफ्लेक्ट अपॉन द कंडीशन ऑफ द कंटम्प्रेरी सोसाइटी इक्सी करती हैं उस हालत को जो उसके दौर में मौजूद थी यानी हम असर कंटम्प्रेरी उसके दौर की ईच करैक्टर इज इंडिविजुअल एंड आल्सो स्टैंड एज अ ग्रुप हर किरदार एक फ़र्द भी है और एक ग्रुप की सूरत में भी स्टैंड करता है द प्रोफेशनल क्वालटीज़ आर शेयर्ड बाय ईच करेक्टर जो पेशे वखसूसियात हैं हर किरदार की वो पेश की गई हैं बिलोंगिंग टू द सेम प्रोफेशन उसी शोबे से मुंसलिक द नाइट फॉर द दस करेक्टर ऑफ ऑल एजेस नाइट हर दौर का एक बहादुर किरदार है लविंग फेथफुलनेस लिबर्टी एंड कट्टसी उसमें पाई जाती हैं बट ही हैज़ इंडिविजुअलाइज बाई हिज मेडन ला एक लेकिन उसको भी इनफरादी बनाया है चौसर ने उसकी लड़कियों जैसी नाजुकी को सामने रखते हुए एन ऑफ हिज पोर्ट एज मीक एज इट इज़ अ मेड ही नेवर येट नो विलन ई ने सेड इन ऑल हिज लाइफ ऑन टू नो मैटर्स वेट ही वॉज अ वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट सिमिलरली द्रायरस रिप्रजेंट्स अ टाइप प्रायरस को भी उसने एक किस्म बना के पेश किया गया द नन्स ऑफ द मिडल एजिस मिडल एजिस की जो नन्स होती हैं वो वेल ब्रेड जो अच्छी खासी Uh, मोटी ताजी थी रिफाइंड एंड जेंटियल उमदा और नाजुक थी एट द सेम टाइम चोस इंडिविजुलाइज हर करेक्टर वैन ही सेज़ चौसर उसके किरदार को इनफरादी करता है जब वो ये कहता है शी इन टून द प्रेयर थ्रू हर नोज वो अपने नाक से गाती थी एंड शी वॉज क्लैप मैडम टाइम फुल वेल शी सॉन्ग द सर्वस डिवाइन इन ट्यून इन हर नोज फुल द डॉक्टर रिप्रेजेंट्स द ग्रीडी एंड डॉक्टर्स ऑफ एग्रॉस के दौर का एक जाहिल और लालची डॉक्टर पेश किया गया है बट ही इज़ इंडिविजुअलाइज एंड चोसर सेज दैट ही वॉज ग्राउंडेड इन एस्ट्रॉनोमी लेकिन उसको इनफरादी भी बनाया गया है जब चौसर ये कहता है कि वो सितारा शनासी में बड़ा माहिर समझा जाता था देन चौसर सेज इन द लाइट ऑफ इन ऑल दिस वर्ल्ड ने वॉज देयर नन हिम लाइक टू स्पीक फिजिक्स एंड ऑफ सर्जरी फॉर ही वॉज ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनोमी चौसर मेक्स यूज ऑफ थ्री मैथ्स इन ऑर्डर टू मेक हज करैक्टर लाइफ लाइक एंड रियलिस्टिक चौसर तीन तरीके इस्तेमाल करता है अपने किरदारों को सच्चा और आ, हकीकी बनाने के लिए डिस्क्रिप्टिव डिवाइस करता है यूज़ ड्रामेटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस आए देखते हैं इनकी तफस थोड़ी थोड़ी सी कुछ कटिंग भी आएगी इसमें हमारे पास ताकि मटीरियल ज़्यादा ना हो असाइनमेंट का ही रिविल्स इस करैक्टर थ्रू डिस्क्रिप्शन वो अपने बयान के जरिए अपने किरदारों को खोलता है अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द अपीरेंस ऑफ द करेक्टर इज हाई रिविलेटरी बयान जो अपने किरदारों के जाहरीपन को खोलने का है वो इंतहाई वाज कर देने वाला है ही डिस्क्राइब्स करैक्टर्स कंप्रीहेंसिवली वसी पैमाने पर अपने किरदारों को पेश करता है देर हैबर्ट्स एटीट्यूड्स कंडक्ट अपीरेंसिस ई टी सी ये दरमियान में हम इसको कट करेंगे नेक्स्ट में है ही आलवेज ही आल्सो एम्प्लॉज द ड्रामेटिक डिवाइस टू यूज हज करैक्टर्स टी टू लाइफ वो एक अमली तरकीब भी इस्तेमाल करता है एम्प्लॉय इस्तेमाल करता है अपने किरदारों को सच्चा दिखाई देने के लिए दे आर रिवील्ड थ्रू स्पीच एंड एक्शन वो अपने अमल और बात के ज़रिए जाहिर होते हैं ये हमारे पास फिर दरमियान में कलर्ड सी कटिंग है द पार्सन यूज़ टू गिव द एग्ज़ाम्पल इफ़ गोल्ड रस्ट वट शैल आयरन डू इट रिफ्फलेक्ट हिज सिंसियरटी एंड ऑनैसटी एज ए क्लर्जी मैन एक पादरी होने के नाते उसकी मुख, उसका, मुख, उसका मुखलसन और ईमानदारी से वाज होती है ही आल्सो एम्प्लॉज लिटरेरी मेथड्स टू ड्रा कर इस्तेमाल करता है अदबी तरीक़ा अपने किरदारों को ड्रा करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ही यूज एग्जेजिनेशन टू डिस्क्राइब चेंट क्लियर मिसाल के तौर पर वो चेंट क्लियर को बयान करने के लिए मुबालगा मेज़ी इस्तेमाल करता है एंड पर्टी लॉट इन नन स्प्री स्टेल और नन स्प्री स्टेल में पर्टी लॉट को ही इम्प्लॉज सिमिलीजम एंड अफेयर तशबी और इसतार इस्तेमाल करता है ये हमारे पास कटिंग है नेक्स्ट में सो ही इज़ एबल टू क्रिएट ए यूनिवर्सल मॉडर्न करेक्टर्स तो वो काबिल हो गया है बैन अवी और दौरे जदीद के किरदार पेश करने में सेंचुरीज़ है वे लैब्स सदियाँ गुजर गई हैं एंड स्टिल इस करेक्टर्स आर एज मार्शल लाइफ और अभी भी उसके किरदार ऐसे ही जिंदा हैं एज दे वर इन वारोस टाइम जैसे कि वो चौस के वक्त में थे बिकॉज दे आर ड्रॉन ऑन दी बिकॉज दे आर ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल ह्यूमन नेचर क्योंकि उसके किरदार जो हैं वो इंसानी फितरत के मुताबिक ढाले गए हैं और पेंट किए गए हैं दे आर द मास्टर पीस ऑफ रियलज़म हकीकत प्रस्ती के वो नमूने हैं चोसज़ आर्ट ऑफ करेक्ट्राइजेशन वेरीज़ फ्राम करैक्टर टू करैक्टर चोसज़ की साजी मुख्तलिफ है हर किरदार के लिहाज से ही यूज़ वैराटी ऑफ मैथड्स एंड एटीट्यूड्स वो बहुत से रवैये और तरीके इस्तेमाल करता है टू ड्रॉ द करेक्टर किरदारों की तस्वीर कशी करने के लिए यह हमारे पास कुछ डिटेल है नीचे पॉइंट्स की जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं और इसके नीचे हमारे पास कुछ डिटेल और इम्पोर्टेंट है जिसको हम देखेंगे सो विद दी हेल्प ऑफ हिज लिविंग यूनिवर्सल एंड मॉडर्न करेक्टर्स तो अपने ज़िंदा बैन अवी और दौर जदीद किरदारों की मदद से चौसर हैज़ बिन एबल टू गिव अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ़ हिज एज उसने अपने दौर की सच्ची तस्वीर पेश की है इट इज़ अ फाइन एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ फोर्टीन सेंचुरी इंग्लैंड योदवी सदी की बिल्कुल दुरुस्त और मुकम्मल तस्वीर है जॉन ड्रैडन वाइल कमेंटिंग ऑन इज आर्ट ऑफ प्रैक्टाइजेशन सेज जॉन ड्रैडन उसके साजी के फन पर कमेंट करते हुए कहता है कि आई सी ऑल द पिलग्रम्स इन द कैंटरी टेल्स देयर ह्यूमर्स देयर फीचर्स एंड देयर वेरी ड्रेसिस एस As distinctly as if I had stopped with them at the tabard in Southwark. He must have been a man of a most wonderful and comprehensive nature because he has taken into the compass of Canterbury tales the very manners and humor of a whole English nation in his age. Not a single character has escaped him. द पिक्चर पेंटेड बाई चौसर मे बी इनकम्प्लीट चौसर ने जो तस्वीर पेश की किताब में वो बेशक नाम मुकम्मल है ओइंग टू द एबसेंस ऑफ द लॉर्ड्स क्योंकि उसने अमीर तबके को टच नहीं किया इसमें एंड द लोअर क्लासेस और लोअर तबके को बट देयर एक्सक्लूजन इज़ इन सिग्नीफ़िकेंट लेकिन उनको निकाल देना इस किताब से गरीब तबके को और अमीर तबके को गैर वाज है बिकॉज इन रियल लाइफ टू द टू एक्सट्रीम्स आर अनलाइली क्योंकि हकीीकी ज़िंदगी में भी ये दोनों जो हदें होती हैं ये बड़ी कम मिलती हैं अनलाइकली मुख्तलिफ होती हैं टू मीट इन द कॉन्कोर्स कोर्स मामलों में ये एक दूसरे से रबता नहीं रखती इट इज़ द मिडिल क्लास अलोन ये सिर्फ दरमियाना तबका होता है विच इज़ फिट इन द स्कीम ऑफ चौसर जो चौसर के मनसूबे में फ़िट आता था विच डिवोटेड विच डिज़र्व टू बी अन जो मुस्तक था कि उसका बे उसको बेनकाब किया जाए

चौसर का किरदार सजी का फ़न मुकम्मल और लासानी है ऑल पिलग्रम आर सो वीवली ड्रॉन इतने वाजानंदाज़ से तमाम हाजियों को कि तस्वीर तस्वीरकशी की गई है दैट परमानेंट इम्प्रेशन को मुस्तकिल तसुर डालते होना और मेमोरी हमारी याददाश्त पर द डिटेल ऑफ देयर फिज़िकल अपेयरेंस तफसील उनके जिस्मानी खदोखाल की देअ सोशल स्टेटस उनके माशरती रतबे की एंड करेक्टर्स आर सो आर्टिस्टिकली प्रजेंटेड और इतने फनकाराना अंदाज से किरदारों को पेश किया गया होल मैन एंड दुमन दि केम बिफोर आर आइस कि तमाम मर्द और औरतें और हमारी आंखों के सामने ज़िंदा नज़र आते हैं दे आर टाइमलेस क्रिएशन ऑन अ टाइमलेस ऑन अ टाइम डिटर्मेंट स्टेज वो आ, हमेशा रहने वाली तख्लीक है आ, एक तय किए हुए वक़्त के थिएटर के ऊपर सेज़ अ फेमस क्रिटिक ये बात एक मशहूर क्रिटिक ने कही है वी मे कंक्लूड दैट जे आर हरबर्ट दीज रिमार्क समझे आर हरबर्ट के ये नतज भी जुमले भी ले सकते हैं चौसर स्क्रैचिस इन द प्रोलाग टू दिन टेल्स आर जस्ट लाइक पिक्चर्स चौसर के किरदार प्रोलॉग में कैंट टेल्स में ऐसे ही हैं जैसे वो तस्वीरें हैं और वो लटक रही हैं ऑन वॉल ऑफ एन आर्ट गैलरी एक आर्ट गैलरी की दीवार पर टू इंच विजटर्स और खुश करती हैं उसको देखने वालों को विद द सक्सेसफुल रिफ्लैक्शन ऑफ एक्चुअल लाइफ क्योंकि वो एक कामयाब तस्वीर पेश करती हैं एक हकी ज़िंदगी की रेलिवेंट Uh, assignments and completely translated answers of M English Part One and Part Two are available on my playlist on my channel. Students can consult from there. And shall I see you next time with the next video? Bye bye.